यस मैम, बस बोलती जा रही हूँ। पढ़ाई कम आवाज ज्यादा रिकॉर्ड होता है। देखो लिंगेज में क्या था बेटा कि इसमें एक स्पेशल जीन क्रोमोसोम होता है ये नियरली, ठीक है, जो कि क्या होता है तुम्हारा सेम क्रोमोसोम जो होता है वो क्या लिंकेज सब शो करता है, लिंकेज जो शो करता है वो एक्चुअली क्रोमोसोम ओवर की क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो क्या हो जाता है सेपरेट होता है, जब होता है क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है ओके फिगर जब बनाओगे अभी और मैं जब क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगी ना, जिस तरह हमने क्या मोनोहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड डाइहाइब्रिड का क्वेश्चन सॉल्व किया था ना यूनिट स्क्वायर का, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिंकेज पे देखो तो लिंकेज ग्रुप अगर देखे तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होता है क्या है, तो नंबर ऑफ होमोलोगस होता है, ठीक है, और होमोलोगस होता है या वही इसको ही आप क्या बोलते हो इक्वल टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बोल सकती हो कि नहीं, होमोलोगस नंबर तो बोल सकती हो ना, तो ये तुम्हारा हैप्लॉइड मान लो, ये तुम्हारा हैप्लॉइड हो गया, ये तुम्हारा डिप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड यानी कि पेयर में हो जाएगा, पेयर पेयर जो बात करें क्रोमोसोम, तो पी मेस ड्रोसोफिला ह्यूमन बैक्टीरिया इसमें क्या होता है 14 20 80 एंड 46 होता है, और यही अगर सिंगल होमोलोगस पेयर की बात करें तो सेम जस्ट हाफ हो जाएगा 7 10 4 23 1 हो जाएगा, यही तुम्हारा लिंकेज ग्रुप भी होगा, ठीक है। ये आपको देखिए तो मान लो अगर 44 प्लस एक्स कैसे हम लिंकेज ग्रुप निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे तुमने ऐड कर दिया क्या एक एक ऑटोसोम ऐड किया बाकी ऑटोसोम, तो ये तुम्हारा क्या 23 लिंकेज ग्रुप आ जाएगा, नहीं। इसी तरह अगर मेल की दूसरा क्या ट्रांस अरेंजमेंट होता है, तो पहले हम सिस अरेंजमेंट देखते हैं, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा जो डोमिनेंट एलील होता है ये क्या बोथ कैरेक्टर्स ये है एक क्रोमोसोम के, ठीक है, एक तो डोमिनेंट एलील, दूसरा क्या है जो रिसेसिव है वो तुम्हारा अदर होमोलोगस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये तुम्हारा ओरिजिनल अरेंजमेंट है, और यही ट्रांस की अगर बात करें तो इसमें फुल ओरिजिनल अरेंजमेंट होगा, ठीक है, अरेंजमेंट इसमें भी टू टाइप गैमेट बनते हैं, बट इसमें कैपिटल कैपिटल है कैपिटल ही बनेगा, और यहाँ पर कैपिटल मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक, अब बट अपोजिट हो जाएगा, ये इधर चला गया ये इधर आ गया वो उधर, ए के साथ स्मॉल ए और कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, ऐसे ही है ना ट्रांस में, यस मैम, जब तुम्हारा एग्जैक्ट मिरर लगती हो तो अपोजिट दिखाता है ना, तो देखो क्रॉसिंग ओवर अगर इसमें बात करें सिस की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर बताया ना, देखो यहाँ पर बाइवेलेंट हो जाता है, जो मैंने ये दोनों को पास पास ला दिया ये वन पेयर होमोलोगस हो गए, ठीक है, कहाँ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है टेट्रॉड में हो रहा है, ये पेक्टिन में होता है, पेक्टिन में हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है बेटा, ठीक है, हमारा क्या होता है डिप्लोटिन में यही चांस बेटा वो शो करता है, जहाँ पे क्या होता है सिनेप्टिक क्या होता है कॉम्प्लेक्स वो डिसॉल्व हो जाता है, ये जो एक दूसरे से पेयर जो बना रही है क्या होता है ये डिसॉल्व हो जाते हैं अलग हो जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे अलग कर दिया ना, देखो नंबर ऑफ सेट बेटा यानी कि आप बोल सकते हो इज इक्वल टू नंबर ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, समझ में आया, डबल एनर्जी गया रिकॉर्डिंग पहले कर लिए रहते तो इतना फिर बोलना नहीं पड़ता। अब टाइप ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात करें तो ये क्या होता है बेसिस के हिसाब से देखें तो साइट ऑफ क्रोमोसोम की मतलब साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर मतलब या साइट ऑफ नंबर के हिसाब से देखें 1 2 3 यानी कि सिंगल डबल मल्टीपल ये हो सकता है ना नंबर, तो सिंगल करें यानी डबल करें यानी दोनों साइड ट्रिपल मल्टीपल करें मतलब हो सकता है, यही ट्रांस की बात करें
होता है ना ओरिजिनल नहीं होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है। यहाँ पर देखो टू टाइप डेबिट बनता है, यहाँ पर देखो कैपिटल है, स्मॉल है। मैंने बताया ना ये इधर से लगेगा इधर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। क्रॉसिंग ओवर करवा दिया तो ए से तुम्हारा कैपिटल भी स्मॉल है, कैपिटल है स्मॉल बी, यही है ना? Yes, ma'am. तो मैंने यहाँ पर कैपिटल भी लिख दिया, स्मॉल भी लिख दिया। यहाँ पर कैपिटल भी लिखूंगी, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल भी लिखूंगी, लिखूंगी ना बेटा? Yes, ma'am. अब यही तुम्हारा ये बन गया, हो गया, समझ में आ गया, कहानी खत्म। Yes, ma'am. टॉपिक पे यार हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब थोड़ा माइंड फ्रेश हो, ठीक है? पहले चलो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं। हाँ यस मैम, देखो पहले भैया अनलिंक भी तो बच्चे हैं, पहले अनलिंक को पढ़ लेने तो फिर तब क्वेश्चन सॉल्व करने में सही रहेगा, ठीक मैम? ठीक है भाई, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। हाँ अब करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में ही मजा आएगा, ये सब थोड़ा सही लगता है। हाँ, लेकिन अब ये अनलिंक्ड भाई साहब भी बहुत बड़े हैं, लिंक्ड के भाई है ना, ये भी अपना करेक्टर सीखेंगे कि नहीं? यस मैम। नहीं तो भैया गुस्सा उस्सा जाएंगे तो फिर लिखो टाइप ऑफ लिंक में अनलिंक्ड को पढ़ रहे हैं, ठीक है? Yes, ma'am. लिंकेड वाला पढ़ लिए, कितना बड़ा था ये। टाइप ऑफ लिंकेज, लिंकेज में अब कौन सा बड़ा बचा था? दूसरा वाला जो बचा था ना, अनलिंक्ड। देख रही हो टाइम का एकदम पता नहीं चल रहा है क्योंकि yes, ma'am. बैठ गया एकदम पूरा, अगर पूरी तरह से इन्वॉल्व एक जगह होगी ना तो नहीं पता चलेगा, चार जगह ध्यान रहेगा ना तो पता चलेगा। चलो एक ये हो गया तुम्हारा चेन, दूसरा बनाते हैं, एक मान लो ऑरेंज से बना देते हैं, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा स्मॉल बी, ये जीन है बीच, ये मैं ऐसे जो दो जीन बनाती हूँ ना बीच में ऐसे जोड़ के कोई सेंटर का मैंने लिया, ये मान लो बेटा तुम्हारा किस पे प्रेजेंट है ये, तो नंबर फोर मान लो, क्रोमोसोम नंबर फोर पे मान लो प्रेजेंट है, सॉरी 40 मिनट हो गया, फोर पे यस मैम। और एक तो बनाते हैं क्रोमोसोम नंबर भाई अनलिंक्ड है, यानी कि दूरी बन जाएगी। उसमें भैया दूरी नहीं बन रही थी, एक ही पर सब कुछ हो रहा था भाई, एक ही बिरादरी के सब लोग पे हो रहा था, यहाँ पर भैया एक लोग और आ गए। आ जा भैया, आ जा, आ जा, तू क्यों दुखी? आ गए, अभी गुस्सा आ जाएंगे भैया, ये भी इनको फाइव कर देते हैं, क्रोमोसोम फाइव मैंने एक ही कलर से बना दिया है, तुम अलग से भी बना सकते हो, ठीक है? कौन तो कैपिटल एल बना लेते हैं, एक को स्मॉलर, जैसे मैंने ये दो बनाया ना वैसे भी, वैसे तो देख तुम्हारा दो ये है अलग अलग जिन को, इसलिए मैंने दो कलर्स बना दिया, वैसे एक से भी बना सकते हो, बस ये सेम होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर ये अलग है, ये क्रोमोसोम अलग ही है, ये एक पे होगा ना ये अलग ही है, ठीक है? ये फाइव है, यस मैम। तो क्रोमोसोम के कैरेक्टर हम देखेंगे, ठीक है? क्या ये भी yes, भाई दोनों पीसी पे देख रहे हैं, स्विच पी पे ही देख रहे हैं ना? हाँ, तो ये इसमें क्या था, इसमें भी हम लोग पढ़े थे ना, ब्लू जो थे ग्रेटर देन थे रेड से, यही थे ना? फ्लावर की बात करें, फ्लावर की कलर की बात करें तो, हाँ, और ये कॉलम की बात करें तो ये था ना लॉन्ग थे भाई, ये ज्यादा डोमिनेंट थे और ये लॉन्ग था ना, यही पोलन की सेप, पोलन मतलब वही उसका आकार जो है मटर का, ठीक है? यस मैम।
राउंड है कि रिंकल है कि क्या है, ठीक है, ये लंबा है कि गोल है क्या, ठीक है। और ये देखो बेटा ये क्यों अनलिंक है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल था। मैंने तुमको बताया था ना हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल, कुछ याद आ रहा है? यस मैम। मास्क लगा देना। हाँ हाइपोथेटिकल को दबा देते थे। मास्क लगा देते थे अपना करेक्टर शो करने के लिए। अचानक से पूछते हैं ना तो ये रिकॉल कर रही थी मैं। मुझे जैसे लग रहा है ना, ऐसा तो लगता है कि इतना जल्दी निकल गया है, और लग रहा है जैसे कि आधा घंटा भी मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ लग रहा है जैसे आधा घंटा भी मैंने नहीं पढ़ा है। मैम वैसे मैं भी तो लग रहा है कि मतलब इतनी जल्दी टाइम कैसे हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट वाला है ना, दिमाग लगाने वाला चीज है ना, इसीलिए मिला रहा। चलो तो आगे देखते हैं। मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट मान लो हो सकता है। ये देखो बेटा ये भी हो सकता है, मैंने वही बताया था जैसे कि यहाँ पर कैपिटल भी है स्मॉल भी है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा कैपिटल भी हो सकता है और यहाँ पे स्मॉल भी हो सकता है। तो एक फॉर्म में मान लो फर्स्ट में अगर माने तो कैपिटल भी एल हो गया, कैपिटल भी एल हो गया, हाँ, और एक फॉर्म में माने तो स्मॉल एल हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल बी स्मॉल एल। और इसी तरह अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एक फॉर्म और बन जाएगा ना, कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल, बन सकता है कि नहीं? यस। अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल एल लिखा या और मैं लिख दी, और यहाँ पर ऐसे कर सकती हूँ ना, स्मॉल एल लिख सकती हूँ, यस मैम लिख सकती ना भाई, अपोजिट कर दो ना, इसी तरह ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है ना। तो ये किसके किसके लॉ को फॉलो करते हैं? अभी जस्ट देर एक सेकंड, तो ये फॉलो करता है किसके लॉ को? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, ठीक है। वो फॉलो नहीं करता है, फॉलो करता है। तो ये तुम्हारा ठीक है, आया समझ में आया? यस मैम। आप एक पॉइंट लिख लो, लिख लो। हाँ ये तुम्हारा बनेगा बेटा, ये तुम्हारा कितना बनेगा उस हिसाब से अगर देखो तो ये तुम्हारा 25% होगा। अलग 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 है ना सब, ये भी 25% करना है ना, आता है जगह इतना लिंकेज है तो वो कितना बनेगा, कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट होगा फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ अनलिंक्ड है ना, तुम कंपेयर कर लेना लिंक्ड और अनलिंक्ड को तो समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्या है बेटा, देखो हट जाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये फोर टाइप गैमेट बना, यू नो 1 2 3 4। यस मैम। ओ व्हाट द हेल, रुक जा बेटा रुक जा, बनाते ही इक्वल प्रोपोर्शनल, इक्वल ही है ना ई। ये देखो सिवा छोड़ दो, अभी मैं दे रही हूं, जाओ दूसरा चौक ले लो, मीन इक्वल मुझे बहुत परेशान करता है, यही बता डेस्कटॉप के पीछे हाँ ठीक है, व्हाइट वाला ही कलर वाला नहीं। हेलो यस मैम।
है ना, शिवा अभी वो हिल जाएगा, परेशान हो जाएंगे, क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखो, ये आपको थर्टिकल हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हाँ ये तुम्हारा 25, ये पेरेंट हो गया, इतना क्या हो जाएगा बेटा 50% तुम्हारा, ये तुम्हारा पेरेंट हो गया, ठीक, और ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन हो गया, 50% या 50% लिख लो। पी से मैंने बना दिया, पेरेंट हो गया, और आर से क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, अभी आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। तो इसमें लिखो, ये पहला हो गया, इसमें लिखो कंप्लीटली या टाइटली लिंक्ड। अगर हम टाइटली लिंक्ड देखें तो क्या होगा, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। टाइटली लिंक्ड में क्या, कंपेयर मैंने किया था ना, एक लूजली बनाता है, क्या बनाता है, टाइट करता है, लिंक के साथ बनाया था ना बेटा, देखो। यस मैम। कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, इन केस का बताया था। हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ये बताया ना, टाइटली लिंक और लूजली लिंक, तो इसको हम कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है, इसको ही कंपेयर करेंगे ना, तभी समझ में आएगा भाई, टाइटली और लूजली आपने तो लिंक केस प्रिंटिंग में देख लिया, हाँ लिंक में देख लिया, हमें लिंक में देखना है, अनलिंक की बात करें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। देखो इस तरह 2 घंटा रेगुलर पढ़ने से क्या होगा, काफी बहुत सारा टॉपिक कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट तुम्हारा, ठीक है, हाँ सेकेंड अगर देखें, ये मैंने यहाँ पे कर लो, इसकी बात करें सेकेंड में, अगर फर्स्ट तुम्हारा अनलिंक बिजी है, ठीक है, सेकेंड अगर बोले इसमें अगर कंपेयर करें इस तरह, यहाँ पर एक्चुअली स्पेस रहता तो यहीं पर कंपेयर कर दे यार, स्पेस तो है नहीं, मैं नीचे ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, कंपेयर करके ज्यादा अच्छा रहता है। अगर ये पूरी तरीके से क्या होगा, टाइट होगा तो क्या होगा, मतलब पास पास होंगे। यस मैम। अगर मान लो अगर ये पास पास है तो क्या होगा, तो ये ऐसे बनेगा फिगर, इसका कैसे बन जाएगा, मैंने क्या कौन सा कलर दिया था, और ये तुम्हारा हो गया, मान लो कैपिटल बी, ये कैपिटल बी हो गया, कैपिटल बी ये हो गया, ठीक है, और ये इसके पास ही में एकदम पास है, कैपिटल है, कैपिटल है इसके पास, मान लो एक ये एल एल हो गया, और इसी के पास एकदम पास में, डिस्टेंस पे नहीं है बेटा, टाइटली लिंक पे बोल रही हूँ ना, मतलब एकदम पास पास में होगा, कैपिटल भी, कैपिटल मान लो कैपिटल एल, मान लो दूसरे कलर से कर देती हूँ, यही पे ये दो दो मैंने लाइनिंग खींचा ना, टू लाइनिंग, तो ये एक हो गया कैपिटल भी, कैपिटल भी, और एक मान लो कैपिटल एल हो गया, कैपिटल एल, समझ में आया, हाँ यस मैम। तरह एक मान लो ऑरेंज पे मान लो अगर रखे, ठीक है, तो इस पे मान लो ये देखो, ये मैंने एकदम पास पास लाइनिंग बनाया है ना, यस मैम, तुम थोड़ा दूरी पे बनाते हो, दूरी हो गया, हाँ इसी पे मतलब फोकस इसी पे रखना है, टाइटली लिंक और लूज पे, ये मतलब टाइट हो गया, ये अगर करे तो ये हो जाएगा, ये मान लो स्मॉल बी, यहाँ पर दो प्रेजेंट है, ठीक है, दो मतलब एक इधर इधर दो कर देना बेटा, रुक जाओ, एक इधर और एक इधर, मतलब लाइक दिस, ऐसे देखो मैं क्लियर, इस पे जिस तरह इस पे बना रही ना उसी तरह इस पे बनाना, यस मैम, रुक जाओ, हाँ जैसे मान लो ये तुम्हारा कैपिटल स्मॉल बी हो गया, स्मॉल एल हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल एल हो गया, इस तरह बनाना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना एकदम पास पास, जैसे पास पास बनाया तो एकदम ये लग रहा है टाइटली लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, पता नहीं, और यहाँ पर देखो गैपिंग हो गया ना, हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस,
तो ये तुम्हारा क्या हो गया कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल ठीक है देखना इन सारे देखो दिक्कत समझ में और अच्छी तरीके से ठीक है तो इसमें क्या दोनों को कंपेयर कर रही हूँ बेटा ये पूरी तरीके से टाइटली लिंक है तो इसमें तुम्हारा केवल पेरेंट क्या 100% होंगे रुको बताती हूँ इसमें तुम्हारा अगर इसकी बनाए और इसको बनाए यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल एल हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल एल हो जाएगा यस मैम होगा ना यहाँ पर लिख लो यस मैम पेरेंट ओनली पेरेंट 100% बन रहा है और ये कॉम्बिनेशन क्या है बेटा जीरो ठीक है रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा जीरो और लिख लो टू टाइम ऊपर हमने रिकॉम्बिनेशन बनाया था ना 50% और क्या कहा जाता है पेरेंट 50% बनाया था ना बट कंप्लीटली टाइट में नहीं होगा ठीक है yes, वो मैंने बनाया तो वो बताया कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को फॉलो करता है ये कंपेयर करना है बेटा ये तुमको फर्स्ट ये अनलिंक्ड जीन को इससे कंपेयर करना कंप्लीटली या टाइटल लिंक से समझ रही हो कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो 50% यहाँ पे तुम ऐसे लिखो 50% तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन बन रहा है ना और 50% बन रहा है बट यही क्योंकि यहाँ पे क्यों बन रहा है क्योंकि बेटा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है क्योंकि देखो मैंने क्रॉस किया ना ये देखो क्रॉस करके ही मैंने ये लाया ना किया ना तभी तो मैंने तुमको बताया बेटा कैपिटल एल की जगह पे यहाँ पे सकते हैं और स्मॉल एल की जगह पे तो ये जब तुम क्रॉस करोगे इस तरह तभी तो होगा यस मैम और इसमें नहीं हो रहा है इसमें क्रॉसिंग हो ही नहीं रहा है टू टाइप गैमेट्स बन रहा है वहां पे स्पेस नहीं था नहीं तो मैं वहीं पे कंपेयर कर दी थी इसलिए मैं नीचे लिख रही थी टू टाइप गैमेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है 50% और 50% मतलब टोटल 100% पेरेंट बन रहा है बताया ना मैंने और रिकॉम्बिनेट जीरो क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कब जीरो होगा जब तुम्हारा नो क्रॉसिंग ओवर होगा ठीक है मतलब नहीं क्रॉसिंग ओवर तुम्हारा नहीं होगा तब तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होगा यानी कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स में जो भी 50% या 25% जो भी हो देखना पड़ेगा ठीक है यस मैम कंपेयर करके पढ़ना नहीं तो भूल जाओगी हाँ चीज को ध्यान में रखना अगर ये पास पास बना yes, टाइटली लिंक है अगर ये दूर है यहाँ पर मैं लिख दी थी पास पास बना है ठीक है क्रोमोसोम जो है ठीक है और यहाँ पे क्या है ये दूर दूर बना है डिस्टेंस पे है ना yes, हाँ पॉइंट लिखवाया था ना डिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है लिंकेज है ना यस मैम कपलिंग लिखवाया था यस मैम लिखवाया था रिपल्सन भी कराया था है ना हाँ दोनों समझ में आया यस मैम आ गया कॉम्बिनेशन को कंपेयर करना है क्रॉसिंग ओवर को लेके और बिना क्रॉसिंग ओवर को ठीक है ये अनलिंक्ड और ये टाइटली लिंक्ड कंपेयर हो गया यस मैम टाइप ऑफ तुम्हारा लिंकेज में ही था ठीक है लिंकेज में हाँ इसमें तुम ये लिख सकती हो ना P is equal to R लिख सकती हो नहीं 50% 50% है ना हाँ अरे ऊपर ऊपर यस मैम लिख सकते हैं ना आप P is equal to R लिख सकते हैं ना क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए तो मैंने लिखवा इक्वल प्रोपोर्शनल ठीक है यस मैम अब आगे देखो आगे चलते हैं भैया एक हो गया दो हो गया तीसरा लिख लो इनकम्प्लीट
या लूजली लिंक, हमको दोनों से कंपेयर करना है ना. ये टाइप ऑफ लिंकेज के अंदर ही है बेटा. मैंने अनलिंक कर दिया हाइपोथेटिकल, ठीक है. और इपिथेटिकल मैंने बताया था ना, जो जिसको मास करेगा हाइपोथेटिकल, वो इपिथेटिकल जो मास हो रहा है हाइपोथेटिकल हो गया, ठीक है. यस मैम. दूसरा हो गया, तीसरा लिखो. तीसरा ये तीनों को कंपेयर करना. अगर स्पेस है तो तीनों लाइन खींच के कंपेयर कर लो, बट मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने वन बाय वन में बता रही हूँ, ठीक है. ये तीनों को कंप्लीटली बोलो या लूजली, ठीक है. लिंक बोलो या लिंकेज, जो भी बोल सकते हो. तो इसमें क्या होगा, लूजली है बेटा, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा बेटा, एक क्रोमोसोम से दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना. यस मैम. एक मान लो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे चैप्टर भी, एक चैप्टर भी यहाँ पे. अब देखो लूजली है यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगा ना इसमें, टाइटली है यानी कि वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. ये कंपेयर करना है, लूजली है क्रॉसिंग ओवर होगा, लूजली नहीं है टाइटली है क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. भाई चिपके चिपके रहेंगे उसमें, क्या क्रॉस करेंगे हम, दूर दूर रहेंगे तभी तो. यस मैम. हाँ यही तो, ठीक है. तो ये तुम्हारा ठीक. इसमें क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है और स्मॉल बी, दो क्रोमोसोम ले लिए ना. अब इसको क्रॉस करा दो, ये बी जो है, ए जो है इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, क्रॉस करा दिए. ऐसे बन जाएगा लाइक दिस, ये तुम्हारा कैपिटल ए हो जाएगा. यहाँ पे कैपिटल ए हो जाएगा, कैपिटल यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, यही पे ना क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. yes, और यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी, ठीक है. इसका क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा, क्या क्या होगा इसका, हमने बनाया था इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा ना, और इसका स्मॉल बी, यही अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी बन जाएगा ना. देखो क्रॉस करवाए तो बना कि नहीं बना. यस मैम. हाँ चलो ठीक है, 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा. चलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे तुम लिखोगी पैरेंट इज पहले लिख लो पॉइंट क्रॉसिंग ओवर अकर, हो रहा है ना क्रॉसिंग ओवर. यस मैम. तो फोर टाइप बन रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 बन रहा है ना. और लिख लो parent is greater than recombination, yeah. In yes ma'am. Unequal, इसमें proportional क्या होगा, unequal होगा ना. हाँ unequal. तुमको compare किस करते हैं, हाँ हाँ ये समझ आ गया ना. yes ma'am आ गया. चलो कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज को पहले देखते हैं, कंपेयर कर. ये तीनों समझ में आ गया ना, किसी समझ में आएगा. समझ आ गया. अब तुम नाम सही कर दो ना, टाइटली है तो चिपका दो, टाइट कर दो, ठीक है. चिपके हुए हैं तो भाई रहेंगे, बीच में गैपिंग नहीं है तो क्रॉस करवाएंगे नहीं, ठीक है. अब जब लूजली स्पेस होगा तो वहां क्रॉसिंग होगा, तो ये दोनों तुम्हारा कंपेयर हो गया ना. और ये अनलिंक्ड तो तुमको देखने में पहले ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर बराबर के मालिक हैं, ठीक है. पैरेंट yes, चलो है ना, एक में इक्वल है, मान इक्वल है, तीसरे में बराबर ही है, मतलब इक्वल ही है. चलो अब एक कंपेयर करते हैं, कंप्लीटली लिंकेज और इनकम्प्लीटली लिंकेज. एडिट करो
हमारा क्या हो जाएगा? अभी वो सुन रही थी ना, तो फिर से आप सुना रहे हो? सही में यार पता नहीं क्यों उनको भी एकदम पता ही नहीं लग रहा है कि कुछ पढ़ा है मैंने। पढ़ाने के बाद मुझे बहुत ही बुरा लगता है, 2 घंटा पढ़ाए, जरूरत से ज्यादा दिमाग लग गया इसीलिए। और प्लस रिकॉर्डिंग भी तो नहीं किया था, दोबारा रिकॉर्ड इसमें हुआ कि नहीं रिकॉर्डिंग? हाँ हुआ है, हुआ हाँ। मेरा पूरा एनर्जी निकल जाता है। इसमें क्या होगा, ये एग्जांपल तुम ले सकते हो, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क वर्म, ठीक है? मैं लास्ट पहले ये क्लोजिन प्रजनन, जीन प्रेजेंट क्लोजली ऑन सेम क्रोमोसोम, इस पॉइंट पे फोकस रखना, तभी तुम फिगर दे देगा, एग्जाम में दे देता है फिगर दे देगा और पूछेगा कि बताइए कंप्लीट लिंकेज है कि इनकंप्लीट लिंकेज है। तो जब फिगर देखोगी पास पास रहेगा तभी ना समझोगे कि ये कंप्लीट होगा, और पास 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 है यानी कि टाइटली लिंकेज है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर नहीं है, दूर दूर है क्रॉसिंग ओवर, तो वहां होगा। बस देखो तुम ये मत परेशान हो जाना किसका कौन सा क्या टाइप है, किसका क्या टाइप नहीं है, वो हेडिंग वोडिंग लेके फिर परेशान हो जाओगी। बस तुमको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमको एक कंप्लीट लिंकेज है कि इनकम्प्लीट लिंकेज है, एक में पास पास है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्लोजली है वो दूर दूर है, दूरी है दूरी बना है यानी कि वो पूरी तरीके से पास में नहीं है, इनकम्प्लीट डिस्टेंस बना हुआ है यानी कि क्रॉसिंग भाई लाने के लिए क्रॉसिंग ओवर करेंगे ना पास पास। यस मैम, तुम अपना कॉन्सेप्ट समझ लेना, समझ में आया ना? यस मैम। और ये फिगर के थ्रू ही समझ में आएगा, जैसे मैंने जो मैं क्रोमोसोम बना रही हूँ क्रोमोसोम नंबर 4 या क्रोमोसोम नंबर 5, तो दोनों में जो लाइनिंग में खींच रही हूँ ना, तो वो फिगर देख के ही तुमको समझ में आएगा कि टाइटली लिंक्ड है कम्प्लीट लिंकेज है कि इनकम्प्लीट है। मान लो मैंने ये बना दिया, यस मैम, और मैंने यहाँ पे बना दिया, तुम समझ जाओगे ना लूज है yes, ma'am. टाइटली है। मान लो एक पे ऐसे बना दिया, एक पे ऐसे बना दिया, तो कंपेयर कर लोगे ना और पूछ लेगा। yes, ma'am. हमेशा क्वेश्चन ये पूछता बेटा, पेरेंट और रिकॉम्बिनेशन का, ठीक है? मान लो एक पे यही पे मैंने पांच पांच बना दिया, तो ये दोनों 50-50% जो जाएगा ना इक्वल हो जाएगा ना। yes, ma'am. ये फिगर देखो, पहला पहला देखो यही पास पास बनाया था ना, क्योंकि दो अलग 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 हो गया ना 50-50। तो यही तुमको दिमाग में रखना है, हमेशा फिगर पे फोकस करना है, इन दोनों के बीच में दूरी कितना है और कितना क्लोजली है, यही फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बना दिया है तभी ना इनकम्प्लीट हो गया है, इनकम हम लूजली बोल रहे हैं और टाइटली को ही हम कंप्लीट बोल रहे हैं। हो जाएगा ना? यस मैम, समझ में आया? यस मैम, आ गया क्वेश्चन। ये पूरे चैप्टर में तुम्हारा यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही टाइटली और लिंक लूज कितना, और तुमको बस यही कंपेयर करना है, लूज रहेगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, पेरेंट ज्यादा होगा और रिकॉम्बिनेशन बेटा, पेरेंट इज ग्रेटर देन रिकॉम्बिनेशन होगा ना? यस मैम, होगा ना? देखो यहाँ ऊपर, यस मैम, ये रहा, और चिपकी चिपके रहेंगे तो वो कंप्लीटली जो रहेंगे तो ये क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे नहीं होगा, यानी कि टाइट वाला है ना, तो 100% बनेगा। इस चीज को फोकस करना है बेटा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हाँ, 100% के जहाँ पेरेंट बनेगा वहां पर ही कॉम्बिनेशन जीरो हो जाएगा, 0%, ठीक है? यस मैम, आगे करते हैं, नहीं तो भी टाइम चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं यार, ये पहले बताओ मुझे। यस मैम, हो गया, आएगा क्वेश्चन तो कर लोगी ना?
क्या होते हैं ना, जेनेटिक का नाम सुन के भागते हैं, कहते हैं मेरे से नहीं होगा, लेकिन देखो थोड़ा सा दिमाग लगा ली तो इजी लगने लगा कि नहीं यस मैम इजी लगा ना, नहीं तो कहानी को तो समझ के तो लग रहा था कि वह नहीं किया जाएगा नहीं बोर होगा, बट थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ा तो लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, छोड़ो जान आगे लिखो इसमें वेरी प्रेजेंट वेरी क्या होगा क्लोज क्लोज और ये भी बात पे फोकस रखना सेम क्रोमोसोम ठीक है यस मैम, वो भले मैंने कलर अलग अलग बना दिया लेकिन वो तो है ना क्रोमोसोम नंबर 4 पे, तो तुमको फोकस रखना है यस मैम क्रोमोसोम है कि डिफरेंट क्रोमोसोम है भाई, इनकम्प्लीट है यानी कि सेम होगा क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पर भी सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, बस डिस्टेंस हमको देखना है बेटा यस मैम ठीक है, किस पे फोकस करना है हाँ डिस्टेंस, चलो तो आगे दूसरा पॉइंट लिखो क्रॉसिंग ओवर डस नॉट अकर, इसमें होगा क्रॉसिंग ओवर अकर ठीक है ना, तीसरा ओनली पेरेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन सीन, केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन को ही देखने को मिलता है ना, यस मैम सी, और इसमें क्या होता है पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन दोनों देख होता है जिसमें कि पेरेंटल तुम्हारा ग्रेटर देन होता है ना, यस मैम इससे रिलेटेड तुम क्वेश्चन करके आओगी तो यार मुझे ज्यादा खुशी होगा कि हाँ चलो समझ में तो आया, न्यू नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बोथ सीन ठीक है, क्या होता है ये तुम्हारा पेरेंटल ग्रेटर देन इज रिकॉम्बिनेशन ठीक है, भूल मत जाना yes, नाम मैंने एक जगह लिख दिया है हाँ इसमें क्या होगा रिकॉम्बिनेशन।